सर, संघ कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो हमेशा उनके निशाने पर कहीं ना कहीं संघ रहता है। हम तो छोटे शहर से हैं, हम पढ़ते हैं अखबारों में उनके बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को या उन पॉलिटिकल पार्टियों को जिसके निशाने पर हमेशा संघ रहता है? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक आखिरी सवाल सर, कि आपने राष्ट्र निर्माण का काम संघ करा है, आपके दृष्टिकोण से अभी राष्ट्र के सामने कौन से बड़े पड़कार हैं अपने? देखिए, संघ राष्ट्र निर्माण के कार्य हम ही करते हैं, ऐसे हमारा क्लेम नहीं है। देश में बहुत सारे सज्जन शक्ति, बहुत सारे समाज के, देश के बारे में सोचने वाले संस्थाएं, अभियान, व्यक्ति, महापुरुष सब लोग हैं। उन सबके साथ मिलकर करते हैं। संघ का एक बहुत आग्रह पूर्वक यह है, समाज में जो वेल मीनिंग पीपल हैं, अच्छे सोचते हैं, अच्छे करते हैं, हम सभी समय समय पर इकट्ठे आने चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। ठीक है, सभी एक ही संगठन में रहना संभव नहीं होता, हर एक के अपने अपने विचार रहते हैं, लेकिन हम आपस में सहयोग करें। यहाँ तक देश के सामने चुनौती क्या है, इसे आपने चुनौती हो सकते हैं देश में। मुझे हमेशा लगता है भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव को भूलकर राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, यह होना चाहिए। अब क्या है, दक्षिण भारत अलग, उत्तर भारत अलग, कुछ लोगों ने दक्षिण को अलग करने के साजिश बनाए हैं, कटिंग द साउथ। हम राज्य अलग है, दक्षिण के भाषा अलग है, हम द्राविड़ है, इस प्रकार के पॉलिटिकल फील्ड में और इंटेलेक्चुअल फील्ड में कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है। ये सारी चीजें भारत के दुर्बल कमजोर करने वाले विषय है। ऐसा हो ही नहीं सकता, शंकराचार्य दक्षिण से आए, पूरे देश में यात्रा की, देश एक है। गांधी जी यहां से चले दक्षिण भारत तक चले, विवेकानंद बंगाल से चले कन्याकुमारी तक चले, लाल बाल पाल तीन राज्यों के हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीन अलग अलग भाषा के राज्य के हैं, देश के लिए सब लोग मिलकर चले काम किए हैं, तो कैसे दक्षिण और उत्तर अलग अलग हो जाएगा? लेकिन ये जो राजनीतिक स्वार्थ से करते हैं, ये इसका समाज में जागृत लोग और सब लोग इसका केवल विरोध नहीं, विरोध तो करना ही है, लेकिन ऐसे चीजों को सफलता ना मिले इसलिए समाज को एक करना, ये पहली चीज। दूसरा है कि संस्कृति के सामने कुछ चुनौतियां हैं। देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी ये बढ़ते हैं, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जीवन की सुविधाएं बढ़ी हैं, कम्युनिकेशन बढ़े हैं, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, बहुत सारे विषय हैं, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर उसके जो जोर है उसमें अपने जीवन मूल्य, संस्कृति, मेरे पड़ोसी घर में कौन है मुझे जानता नहीं हूं, लेकिन मैं व्हाट्सएप से ऑस्ट्रेलिया के साथ संपर्क रखता हूं। मनुष्य के आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ रहना और संस्कृति, जीवन मूल्य पर आग्रह करना, प्रामाणिकता, सत्य बोलना, सेवा करना, इन चीजों पर कमी नहीं होनी, मनुष्य के जो वैल्यूज है वो कम नहीं होने चाहिए। टेक्नोलॉजी वी विल एक्सेप्ट, हमको चंद्रमा पर पहुंचना है, हम पहुंचे हैं, लेकिन हमारे पैर धरती पर रहे, इस जड़े पर रहे, ये दो चीजों के बारे में संग आ रहे। तीसरा, कुछ विषयों के बारे में विजयदशमी भाषण में सरसंघ चालक जी ने कल्चरल मार्क्सिज्म, वोकिज्म, ऐसे विषयों के बारे में उन्होंने कहा भी है, उल्लेख किया है। वो सारे चुनौतियां आ सकती है, कुछ जगह पर वो सिर उठा रहे हैं, इस दृष्टि से उसका उल्लेख विजयदशमी भाषण में हुआ ही है, मैं उसका केवल पुनरुक्ति करता हूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों के भोजन के लिए भी व्यवस्था है ना, निमंत्रण भी है ना? बिल्कुल भोजन व्यवस्था छे बधा माटे, तो भोजन लईને આપણે पुनः एक बार સીધા आपको પડશે. धन्यवाद, आप ऐसे हमको प्रश्न पूछते रहिए, हमारे मन में जो है वो हम उत्तर देते हैं। हम देखिए पॉलिटिक्स में नहीं है, हम तो समाज के काम करते हैं।